हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार। मैं आपके बाद बताने वाला हूँ 3D प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। पहले मैं ऑटोडेस्क पावर मिल ओपन किया। इसमें मॉडल्स हैं जिसमें मैं प्रोग्राम बनाया हूँ, उसके ऊपर रिबिल्ड करके दिखाता हूँ। अभी ये मॉडल है मेरा, प्रोफाइल में कटिंग करना है। लेकिन मेटल मेरा सॉलिड है, पूरा सॉलिड। जैसा सॉलिड रहेगा तो ऐसा आपको दिखेगा। ये सॉलिड मेटल है तो आपको बनाना है 3D में, प्रोग्राम बनाना है आपको। तभी आप प्रोग्राम कैसे बनाएंगे 3D में, मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले हम लोग जब मॉडल सॉलिड में रहेगा तो ए कमांड लेंगे। एक मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। 3D में जाएंगे तो इधर आएगा मॉडल एयर कलर। ये वाला फीचर्स को उठा लेंगे हम लोग, लेंगे जिसमें मैं इधर से पहले से ऑलरेडी लिया हूँ। उधर वाली वही सिर्फ वही कमांड है। इसमें जाएंगे, अभी इसको ये प्रोग्राम बना हुआ है लेकिन इसको रिबिल्ड करके दिखाता हूँ। सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐसा पैरामीटर आपको सेट करने के लिए दिखाएगा, ऐसा ऐसा ऑप्शन आएगा। तो पहले हमारा प्रोग्राम बना, इसके लिए ये ऑफ दिख रहा है, तो इसको हम लोग इधर से अनलॉक करेंगे। अनलॉक कर दिए। अनलॉक करने के बाद अभी मैं इसमें प्रोग्राम बनाऊंगा। तो मेरा ब्लॉक साइज पूरा ले लिया, पूरा ब्लॉक ले लिया, कैलकुलेट कर लिया हूँ। टूल्स में जाए, टूल ले लिया। उसके बाद लिमिट, लिमिट कुछ नहीं देना उसको। इधर दो इधर ऑप्शन है। ये जो थिकनेस लिखा हुआ है ये एक्स वाई दोनों साइड से, जैसे अभी हम लोग इसमें स्टॉक में दिया हूँ 0.25, तो स्टॉक 0.25 दिया हूँ। तो ये प्लस में से भी, मतलब ये साइड से भी और ए साइड से भी, दोनों साइड से 0.25 का स्टॉक रखेगा। मतलब एक्स में प्लस में और वाई में, और एक्स में माइनस में 0.25 स्टॉक रखेगा। ये जेड है, जेड में 0.2 स्टॉक रखेगा। और ये हमारा स्टेप वर है। स्टेप वर हम लोग बोलते हैं, अभी 52 का जो कटर है, डायमीटर है 52 का, 52 एक पास गया, उसके जब दूसरा पास लेगा उसको हम लोग स्टेप वर बोलते हैं। दूसरा पास जो आता है उसको स्टेप वर बोलते हैं। तो स्टेप वर में 35 डाल दिया। अभी इसमें ए है जेड, इसमें डेट ऑफ कट, तो इसमें हम लोग 0.3 का डेट ऑफ कट डाल दिया। ऑफसेट, ये ऑफसेट है, इसमें हम लोग डायरेक्शन को बंद करके रखेंगे। अभी इसमें ये सब डायरेक्शन बंद करके रखेंगे। अगर इसका डायरेक्शन चालू रहेगा तो हमारा प्रोग्राम का टाइमिंग बढ़ता है ये सबसे। अभी मैं इधर आ गया, डायरेक्ट इधर आया। इधर ये ऑप्शन को हम लोग बंद करके रखेंगे। एपचर इसमें आएंगे हम लोग तो ये ऑप्शन को बंद करके रखेंगे, नहीं तो प्रोग्राम आउटसाइड से चलेगा। आउटसाइड से इसमें जाएंगे। अभी ये सेम ए और ऑप्शन ए ऑप्शन सेम है, इसमें रख लेंगे। ये टॉलरेंस का ऑप्शन को हम लोग थोड़ा कम कर देंगे, जैसे कि 0.5 में टॉलरेंस। ये टॉलरेंस का मतलब प्रोग्राम जो है वो कितना टॉलरेंस में चलाना है उसको, टॉलरेंस है। अब इसको मैं कैलकुलेट कर दिया, अब इसको मैं कैलकुलेट कर दिया, अभी हमारा प्रोग्राम बनने स्टार्ट हो गया। ये हमारा प्रोग्राम बन गया पूरा सॉलिड। अब ये पूरा सॉलिड मेटल को रफिंग करते हुए पूरा प्रोफाइल में कटिंग करेगा। ये पहला प्रोग्राम हमारा बन गया। अभी जिधर ये 52 का कटर है, तो अभी 52 का कटर अभी जिधर डायमेंशन ज़्यादा बड़ा है उधर तो कटिंग कर देगा 52। जिधर छोटा डायमेंशन है, अभी इधर नहीं जा सकता तो इधर नहीं जाएगा, 52 नहीं जा पाएगा, इधर भी नहीं जा पाएगा 52। तो अभी 52 नहीं चल पाएगा, तो अभी उसके लिए हम लोग दूसरा कटर चलाएंगे जिसमें हम लोग 16 का चलाएंगे। अभी मैं फिर दूसरे के लिए दूसरा फीचर्स है, तो इसके जो फीचर्स है ये आपको इधर दिखेगा। उसी में ये मॉडल एयर क्लियरेंस है, फिर दूसरा है मॉडल रेस्ट एयर क्लियरेंस, उसके ऊपर ही प्रोग्राम हम लोग रेस्टिंग करेंगे। मतलब इधर 52 का कटर नहीं चल पाएगा, उधर हम लोग उस तरह मेटल निकालने के लिए हम लोग को छोटा कटर यूज करेंगे। तो उसी के रेफरेंस जो चलाते हैं उसको हम लोग मॉडल एयर क्लियरेंस बोलते हैं, रेस्ट क्लियरेंस बोलते हैं। सेटिंग में जाएंगे, ये सेम नाम इधर है, मॉडल रेस्ट एयर क्लियरेंस ये आएगा। तो अभी हम लोग इसमें जाएंगे, तो ये इसमें 16 का कटर को ले लिया हम लोग। सेम वैसे पैरामीटर सेट करेंगे, इसमें स्टेपर कम देंगे, डेट ऑफ भी कम देंगे, फिर इसमें भी बंद करके रखेंगे। और इसमें अभी इसमें जो रेस्ट का ऑप्शन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो ऑप्शन आता है, एक स्टॉक मॉडल का, दूसरा टूल पथ का। स्टॉक मॉडल और टूल पथ, आपको स्टॉक मॉडल यूज करना है कि टूल पथ यूज करना है। स्टॉक मॉडल अलग होता है, जो स्टॉक बनाना पड़ता है आपको, वो एक टूल पथ होता है, ये टूल पथ है। अभी हम लोग को टूल पथ में लेना है, तो टूल पथ में जाएंगे तो इधर ऑप्शन दिखाना कौन सा टूल में लेना है। पहला टूल में ले लेंगे, फिर कैलकुलेट कर देंगे। अभी ये दूसरा प्रोग्राम बनना है। जिधर अभी 52 का कटर का प्रोग्राम नहीं बना रहेगा, उधर ये 16 का प्रोग्राम बनेगा। ये हमारा प्रोग्राम बन गया, अभी 16 का प्रोग्राम बन गया। अभी इसको हम लोग बंद किया। अभी जिधर 52 का कटर नहीं चला है
उधर 16 का कटर चल रहा है, अभी इधर 52 का कटर नहीं गया, इसके लिए इधर 16 चला है, इधर 16 चला है, अब इसको हम लोग बंद किया। अब इसमें 16 कटर जिधर चला है, 16 से डायमीटर, 16 का डायमीटर है, इससे हम लोग कम कटर इसमें चलाना पड़ेगा, क्योंकि बॉल चलाना है अपने को, 3D है तो बॉल कटर से ही फिनिश होएगा, और कोई कटर से फिनिश नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्टेप 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 आएगा। तो अभी बॉल कटर चलाने के लिए अभी इसमें हम लोग कौन सा बॉल चलाना है, 10 का चलाना है या 8 का चलाना है या 12 का, जो भी। तो अभी इसमें देखेंगे हम लोग कि 10 कितने से कटर से रेडियस बन जाए, निकल जाए, इधर का रेडियस हम लोग निकल जाएगा, लेकिन ये रेडियस इधर ज़्यादा बचेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 8 का बॉल कटर चलाएंगे, 8 का बॉल चलाएंगे, लेकिन 16 का कटर चलाने लास्ट चलाने से बाद हम लोग 8 का बॉल चलाएंगे तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि 16 का डायमीटर और 8 का डायमीटर में आधा फर्क है। तो अभी वो इसके लिए हम लोग को 8 का एंडमिल का भी रेस्ट देना पड़ेगा। तो अभी 8 का एंडमिल का रेस्ट देंगे, इसमें सेटिंग में जाएंगे, कटर लेंगे, कटर लेने के बाद फिर उससे पैरामीटर सेट करेंगे, स्टेप और कम देंगे, हाइट भी डेट ऑफ कट भी कम देंगे, फिर इसमें जाएंगे टूल पथ में भी, इसमें दो ऑप्शन जो है उसमें जा टूल पथ में जाएंगे, फिर इधर इसके ऊपर रेस्ट देंगे, एक प्रोग्राम के ऊपर इधर रेस्ट दिए, फिर कैलकुलेट किए। अभी ये अभी जिधर 16 का कटर का ये बोल रहा है कि कल ये बोल रहा है आपको कि 16 के कटर के ऊपर ही आपको रेफरेंस देना है कि दूसरा डायमीटर भी देना है, तो बोलने का नहीं उसी पर दिया है, तो ओके कर देंगे, कैलकुलेट होएगा आपको। अभी जिधर 16 कटर डायम नहीं जा पाया है, जो मेटल छुटा हुआ है उधर, अभी ये 8 का एंडमिल से पूरा फिनिश हो जाएगा आपका, जिसके ऊपर आप बॉल का कटर प्रोग्राम चला सकते हैं। फिर अपने बॉल के कटर को मेटल मेटल ज़्यादा नहीं मिलेगा, लोड भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, और वो आराम से चल के फिनिश कर देगा। अभी ये हमारा 8 का भी बन गया, और अभी इधर छोटा थोड़ा मेटल है, तो ये सब मेटल निकल गया अपना, सब मेटल निकल गया। अभी हमको क्या करना है, इसमें बॉल चलाना है। बॉल में दो ऑप्शन आता है फिनिश में, जैसे कि फिनिश में जाएंगे हम लोग इधर, तो एक 3D का फिनिशिंग प्रोग्राम आता है, एक रास्टर फिनिशिंग का आता है। रास्टर क्या होता है, 3D फिनिशिंग क्या होता है, मैं दोनों में बता देता हूँ आपको, इसमें कौन सा फिनिश चला सकते हैं आपको, कौन कैसा रहेगा तो चलाना चाहिए आपको। अभी जो रास्टर रहे आपका, रास्टर प्रोग्राम है, रास्टर फिनिश प्रोग्राम है, उसको आप चलाएंगे इसके अंदर, तो रास्टर आपको ओरिजेंटल में ही चलता है, जो फिनिश ओरिजेंटल में ही चलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, अभी आपको रास्टर चलाता हूँ, रास्टर चलाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा इसमें, वो भी दिखा देता हूँ आपको बना के। ये रास्टर का प्रोग्राम लिया, रास्टर प्रोग्राम फिनिश, इसके अंदर 8 का बॉल का फिनिश प्रोग्राम दिया। अभी ये जो ऑप्शन है कॉर्नर पे, जो इधर एक कॉर्नर पे है, रेडियस से कम रहेगा तो वो आर्क बनेगा, नहीं रहेगा तो उधर वो हल्का पॉइंट मारेगा। तो अभी मेरे को इधर ऑप्शन दे दिया चालू करने के, क्योंकि तो बड़ा कटर है, रेडियस छोटा है तो पॉइंट मारेगा, इसके लिए वो रेडियस में चलेगा। अभी इधर मैं दिखा दिया इसका स्टेप और मैं इसमें जो भी रहेगा आपका दे देने का फिनिश के हिसाब से। इसमें दो ऑप्शन है, ऑन 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 देना है कि टू देना है। ऑन का मतलब होता है सिर्फ एक पास जाएगा, वापस उठ के फिर दूसरा पास के लिए वो उठ के आएगा, तो ऑन नहीं देना है, टू पास देना है। टू पास देंगे, इसमें दिया हुआ है एंगल कौन सा चलाना है, 19 डिग्री कि कौन सा एंगल से चलाना है आपको, वो एंगल चूज करने के लिए दिया हुआ है, कौन सा एंगल चलाना है। फिर इसको एंगल में लेफ्ट राइट ये दिया है, लेफ्ट से चलाना है राइट से चलाना है, वो ले लेने का, फिर कैलकुलेट कर दिया है प्रोग्राम, वही कैलकुलेट हो रहा है। अभी ये प्रोग्राम मेरा बन गया है, इसमें आपको प्रोग्राम में इशू क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। अभी ये प्रोग्राम कैसा चल रहा है पहले आपको वो दिखा देता हूँ सिमलेस करके। अभी जब हम ये प्रोग्राम ऐसा चलाएंगे तो अभी ऐसा ऐसा चल रहे हो, तो ऐसा वो चलते हुए ही जाएगा, अभी वो ऐसा चलते हुए जाएगा। इसमें आपको प्रॉब्लम किधर आने वाला है वो मैं आपको, ये जो अभी चल रहा है ना ऐसा, तो इसमें क्या करेगा, जब वो इधर से इधर की तरफ जाएगा तो इधर जब चलने के बाद वो दूसरा पास आगे की तरफ लेगा तो यहाँ मार्क छोड़ देगा वो। अभी आप ये इधर प्रोग्राम इसमें इधर से फिर जब इधर की तरफ चलेगा ना तो इधर हल्का सा मार्किंग छोड़ देगा, जब इधर चल के फिर वापस जाएगा फिर आएगा, जब वो मतलब इसका डायमेंशन कम है, मतलब डिस्टेंस कम है ना, डिस्टेंस कम के वजह से वो मतलब उसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, मतलब आप जैसा डालेंगे तो भी वो स्पीड डिस्टेंस कम है तो वो उसका जो चलने का जल्दी जल्दी वो चलेगा, तो उधर ये मार्क छोड़ते जाएगा। फिर आप इधर मार्क छोड़ेगा तो आपको फिनिश करने में प्रॉब्लम होएगा, फिर इधर हल्का हल्का मार्किंग आपको छूट जाएगा आपका। इसके लिए हम लोग ये रास्टर का प्रोग्राम इसमें नहीं चला सकते। इस रास्टर का प्रोग्राम चलाने के लिए आपको
सिंगल हल्का एंगल देखने का, मतलब ज्यादा डिफेक्ट रहेगा तो आप रास्टर का प्रोग्राम नहीं चला सकते, उसमें चलाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा, मार्क का इशू करता है थोड़ा, इसके लिए हम इसमें रास्टर नहीं चलाएंगे, इसमें हम लोग 3D ऑफसेट फिनिशिंग चलाएंगे। अब मैं आपको 3D ऑफसेट फिनिशिंग करके चलाता हूँ। 3D ऑफसेट फिनिशिंग जो है वो एक सर्कल की माफिक चलता है, जैसे सर्कल हो गया, सर्कल के अंदर इन साइड और आउटसाइड में ही प्रोग्राम चलता है। इसमें ऑप्शन दे दिया, मैं अभी ये रास्टर का प्रोग्राम ले लिया है, फिनिश का ऑफसेट फिनिश का प्रोग्राम ले लिया है, फिर कटर दे दिया, इसमें कटर देने के बाद इसमें स्टेपर सेम वही रख दिया हूँ, और इसमें भी वही सब ऑप्शन चालू कर दिया हूँ। ये जो फ्लैट कॉर्नर 3D लिखा हुआ है वही कॉर्नर के लिए ही है, 3D इधर बॉल चलेगा, आर की तरह चलेगा। अभी इसमें हो गया, अभी ये मैं कैलकुलेट करता हूँ। हाँ, ये हमारा बॉल कटर का प्रोग्राम बन गया। अभी मैं आपको इसमें चला के दिखाता हूँ कैसा चलता है। ये बॉल कटर का प्रोग्राम मेरा ऐसा चल रहा है, ये आउटर को टच नहीं कर रहा है, ये वैसे ही चलते चलते की तरफ जाएगा, चलते चलते वो ही ऐसा चलते चलते जाएगा। तो ये इसमें क्या है कि ये पूरा की तरफ अंदर अंदर की तरफ चलते जाएगा ना, तो आपको इधर मार्क नहीं आएगा, एक साथ में चलते जाता है, ये रुक के उठ के चलता नहीं, ये सीधा एक साथ में चलते जाता है। इसके लिए ये बॉल कटर आपको ना पूरा फिनिश करेगा। तो ये हमारा बॉल कटर का प्रोग्राम चलाएंगे। फिर अभी ये अंदर का बाकी ये वाला, तो इसके लिए हम लोग एक साथ में प्रोग्राम नहीं बना सकते, एक साथ में बनाएंगे ना तो ये इसमें जो शेप रहता है ना, शेप के हिसाब से वो प्रोग्राम चलेगा, तो उधर चार्टिंग आएगा, हल्का हल्का मार्क आएगा। तो हम लोग एक साथ में प्रोग्राम नहीं बनाएंगे कभी भी, अलग अलग भाग में ही प्रोग्राम बनाएंगे। तो अभी हम लोग दूसरे भाग के लिए प्रोग्राम बना देते हैं इसमें, फिर 3D ऑफसेट का फिनिशिंग लेंगे प्रोग्राम। सेम वैसे ही कमांड यूज करेंगे, स्टेपर देंगे, बॉल कटर वही सेम कैलकुलेट कर देंगे, ये हमारा प्रोग्राम बनेगा ऊपर बॉस का। ये हमारा इधर का भी बॉल कटर का प्रोग्राम बन गया। अभी इसमें अभी नीचे की तरफ से दिखा, इसका भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कैसा बना हुआ है, ऐसा अभी हमारा ऐसा चलेगा। तो ये जब चारों बाजू से चलते गया तो चारों बाजू से कट लेते हुए ऊपर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो आपका चारों बाजू से पूरा फिनिश हो जाएगा, इसमें मार्क का इशू नहीं आएगा ऐसा। अब ये ऊपर से मतलब चलते हुए जाएगा, नीचे से भी चलते हुए जा जा सकते हैं, ऑप्शन डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ऊपर से भी चल जाएगा, चलते जाएगा। ये अभी हमारा बॉल ऊपर का, इधर का भी, इधर का भी, ये हमारा बॉल पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। हम लोग इसमें पूरा रफिंग किए, रफिंग करने के बाद रेस्ट मॉडल चलाएं, इसमें रेस्ट चलाएं, फिर रेस्ट किए, फिर बॉल कटर नीचे का चलाएं और ऊपर का चलाएं, तो ये हमारा जॉब फिनिश हो गया पूरा। अभी हमारा जॉब ये है, इसको हम लोग सिमुलेशन करके चेक कर लेते हैं कि प्रोग्राम ओके है कि नहीं। अभी हम लोग इसमें ये सिमुलेशन में जाएंगे, ऑफ ऑन कर देंगे, ये हमारा जॉब हो गया। अभी हम लोग प्रोग्राम चला के चेक कर लेंगे। ये सिमुलेशन किया हुआ अभी जॉब, ये पूरा सिमुलेशन, ये जितना भी प्रोग्राम हम लोग बनाए उसमें पूरा सिमुलेशन कर दिए। अभी ये पूरा जॉब दिख रहा है कि ओके, पूरा जॉब बन गया है, पूरा जॉब बन चुका है इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ओके पूरा। तो भी हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया, अभी ये प्रोग्राम पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है।